हेलो गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ हो सकता है। आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। फाइव ऑफ वॉन्ट्स, 7 ऑफ वॉन्ट्स, 6 ऑफ पेंटेकल्स, रीबर्थ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ मेजर होने वाला है, देखिए डेथ विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कर्मा को दर्शाती है, तो कुछ कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में से रिलीज हो सकती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर सोच रहे हो, किसी के साथ डिवाइन कनेक्शन अगर आप फील करते हो, तो उस पर्सन की लाइफ में से कार्मिक सिचुएशन रिलीज हो सकती है। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों को सेक्स के ड्रीम बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और न्यू बॉर्न बेबीज़ का बहुत ज़्यादा ड्रीम आ सकता है। कुछ ख़त्म होगा, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे आप लोग और रीबर्थ, न्यू कुछ फेज स्टार्ट होने वाली है। आप दोनों की कनेक्शन जो ख़त्म हो चुकी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, या फिर एक टफ साइकिल ख़त्म होकर एक न्यू हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। 6 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी विथ रीबर्थ, मतलब जो कुछ भी होगा आगे बैलेंस होगी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में। ओवरऑल बैलेंस आ रही है लव लाइफ में, लेकिन कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है बहुत फाइटिंग आर्गूमेंट्स के बाद ये ख़त्म हो या कुछ नया स्टार्ट हो, उससे पहले आपको लड़नी पड़ेगी। हो सकता है आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़े, और मेजर कोई कन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जो कुछ भी होगा नेक्स्ट 7 डेज में, चाहे कितने भी स्ट्रगल ऑब्स्टकल क्यों ना आ जाए, अल्टीमेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, बैलेंस आएगी आप लोगों के लाइफ में।